कोलकाता का दक्षिणेश्वर काली मंदिर हर साल करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अपनी तरफ आकर्षित करती है। रानी रासमुनि के द्वारा बनाया गया यह मंदिर 171 साल पुराना है और एक प्रमुख धार्मिक स्थल भी है। साल के 365 दिन इस मंदिर में श्रद्धालुओं का मेला लगा हुआ होता है, पर सड़क की चौड़ाई कम होने से श्रद्धालुओं को दिक्कत उठानी पड़ती थी, जिसे देखते हुए वर्तमान वेस्ट बंगाल सरकार के द्वारा एक स्काई वॉक बनाया गया है, जो कि लोगों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। लेकिन पहले यहाँ के कुछ लोकल जो वेंडर्स थे वो नहीं चाहते थे कि ये स्काई वॉक बने, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनका रोज़गार छिन जाएगा। लेकिन इसके विपरीत हुआ बिल्कुल, उन्हें इसमें स्टॉल्स दी गई है जिनमें वो अपना सामान बेच सकते हैं। दक्षिणेश्वर रानी रासमुनि स्काईवे में 14 एक्सेलेटर, 4 लिफ्ट और कई सीढ़ियां हैं जो लोगों के सफर को आसान बनाती हैं। इस स्काईवे में 137 परमानेंट स्टॉल्स हैं जिनमें लोकल वेंडर्स अपना सामान बेच सकेंगे। इस स्काईवे को दिल्ली की एक जानी मानी कंपनी DFI डिज़ाइन फोरम इंटरनेशनल ने बनाया है, जो कि पहले भी कई इस तरह के कंस्ट्रक्शन कर चुकी है जिनमें ITO स्काईवे शामिल है। दक्षिणेश्वर स्काईवॉक का उद्घाटन वेस्ट बंगाल की वर्तमान CM ममता बनर्जी ने किया 5 नवंबर 2018 को। यह स्काईवे आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है, जिनमें इमरजेंसी इवैक्यूएशन, फायर अलार्म के साथ साथ वाटर स्प्रिंकलिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, ये ब्रिज इस लिहाजे से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि यह रोड के ट्रैफिक को कम करता है और जो दोनों साइड के रोड्स हैं वहाँ से लोग डायरेक्टली इस स्काईवे के थ्रू इस पार से उस पार जा सकते हैं। और यह जो स्काईवे है वो रेलवे स्टेशन और बनने जा रहा मेट्रो स्टेशन जो दक्षिणेश्वर का है उससे भी डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए टेक संसार को। धन्यवाद।